हेलो भाई, मैं हूँ अनी अंगवार। आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। भाई आज अपने सामने खड़ी हुई कुछ जानी पहचानी सी मारुति डिजायर, तो साइड से देख के अचंभे में मत आ जाना भाई। अलॉय व्हील देख के कि टॉप एंड वेरिएंट खड़ा हुआ है ZXi। भाई बिल्कुल वेस वेरिएंट है, 2RS नहीं, बिल्कुल डिजायर का वेस वेरिएंट है ये, जो LXi नाम से आता है वो। ये मॉडिफिकेशंस हैं जो इसके अलॉय लगे हुए हैं इसमें। और बाकी मैं इसकी बना क्यों रहा हूँ वीडियो भाई, BXi ZXi की तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, 2RS टैक्सी की भी डाल चुका हूँ। भाई इसका प्राइस तो इतना जेन्युइन प्राइस है ना इस कार का, अगर इसके प्राइस की बात करूँ मात्र 6,51,000। सोच सकते हो आज के टाइम में वैगनआर मिलता है LXi, वैगनआर की LXi आपको 6,50,000-7,00,000 में, और भाई इसका प्राइस मात्र 6,51,000। ये एक्स शोरूम है। अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूँ भाई, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 7,47,000 बरेली में, यूपी के बरेली में। बाकी आपके यहाँ भी भाई कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब 7,75,000-7,50,000 रुपए में आपको एक कॉम्पैक्ट सेडान मिल रही है आज के टाइम में, जहाँ पर आप सोच इतनी महंगाई में अगर 7,75,000-7,50,000 रुपए में अगर आपको कोई कॉम्पैक्ट सेडान मिल जाए ना, तो फिर इससे बढ़िया क्या होगा यार। बाकी अगर इसकी अगर हम लोग फ्रंट से बात करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे भाई क्रोम हट के हर जगह आपको साल्टा सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी। पूरी ग्रिल के चारों तरफ भी यहाँ पर ब्लैक में ग्रिल, बीच में मारुति का लोगो, इधर फॉग लैम्प हाउसिंग के भी आप देखेंगे तो कॉर्नरिंग यहाँ पर साल्टा सिल्वर फिनिश। और यहाँ पर अगर हेडलाइट्स की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट हमें देखने के लिए मिल जाती है, हेलोजन में इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप फ्रंट से देखेंगे ना, मतलब कहीं से कहीं तक रुतबे में कोई कमी नहीं आने वाली है भाई। 7,75,000 में भी वही रुतबा मिलेगा जो 10,00,000 में मिलेगा आपको। बाकी अगर इसकी फ्रंट से मैं विड्थ की बात करता हूँ, तो 1735 mm की हमें इसमें विड्थ देखने के लिए मिल जाती है। तो फ्रंट से कुछ इस तरह का व्यू कार का। अगर साइड में आते हैं कार के, तो भाई सब 4 मीटर तो है ही है, तो इसकी लेंथ भाई 399.5 mm हमें इसकी लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। भाई अगर इसके व्हील बेस की बात करूं, तो भाई ब्रेजा से मात्र 50 कम है, 2450 mm हमें इसका व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप भाई क्लियरली जो बेस वेरियंट का पता चला होगा ना, इससे भी समझ गया होंगे कि ये बेस वेरियंट है, ब्लैक यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी हैंडल्स भी ब्लैक रहते हैं, लेकिन उन पर क्रोम चढ़ गया, तो इसलिए वो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। बाकी आप एक चीज़ से और पता लगा सकते हैं भाई, फेंडर पर इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है हमें। बाकी टायर तो अपग्रेड हो ही चुके हैं अलॉय व्हील के साथ। बाकी आप देख पा रहे होंगे आगे हमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं, और रियर में हमें ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, सारे ही हमें बॉडी कलर देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर। बाकी सारे डोर हैंडल भी ब्लैक ही आते हैं, ये क्रोम चढ़ा हुआ है, ठीक है, ओके, डन रिपोर्ट है यहाँ पर। अगर रियर में आते हैं कार के, अभी मैं फ्यूल टैंक की भी बात करूंगा, बाद में करते हैं। अगर रियर में आएंगे, तो भाई कोई डिफॉगर नहीं, कुछ नहीं, एकदम जैसा लग रहा है ना प्लेन शीशा सा लगा दिया, पॉलीथीन टाइप, तो भाई वेस वेरिएंट है, इसलिए सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। रेगुलर एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप रियर में और देखेंगे, तो यहाँ पर डिज़ायर की वेजिंग, मारुति की वेजिंग, मतलब पीछे से कुछ खास फ़र्क, खास क्या भाई, पीछे से कोई फ़र्क ही नहीं है कार में। ये PDI में जाएगी भाई कार, अभी देख रहे हो आप, इसका ये टूटा हुआ है, चेंज हो गई, डिलीवर होगी। बाकी इसमें आप देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी एक चीज़ बढ़िया है मारुति की, आप 2RS ले लो चाहे डिज़ायर ले लो, कुछ ले लो, ये वाला जो रियर वाला पोर्शन है ना, टॉप से बेस से टॉप तक सब में सेम है, कहीं से कहीं तक कोई डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर। बाकी इसे ओपन भाई यहाँ से होगा नहीं होगा, बिल्कुल बेस वेरियंट है, पता चलेंगी ये चीज़ें। चलिए इसे आगे से ओपन करते हैं, आगे से भी ओपन भाई यहीं से होगा, यहीं से फ्यूल लिड और अपना बूट दोनों ही ओपन कर लेते हैं। ये देखिए भाई, इतना तो खुल भी गया अपने आप। भाई इसमें ये चेंजेस तो होंगे ही होंगे, एसेसरीज तो लगेंगी ही लगेंगी, बेस वेरिएंट है, कुछ आता है नहीं, तो इसलिए सबसे पहले बंदा कार बाद में लेता है भाई, मॉडिफिकेशंस पहले शुरू होने लगे हैं अब तो। अगर इसके मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ, तो भाई बिल्कुल 378 लीटर का बूट स्पेस हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप एक चीज़ देखेंगे ना भाई, ये कवरिंग, भाई ये कवरिंग हर जगह, मतलब आप कोई भी कॉम्पैक्ट सेडान ले लो, ऑरा डिज़ायर, ये आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलने वाली है। पता नहीं क्या होता है भाई इसमें, सबसे ज़्यादा बचत होती है कंपनीज की क्या है। बाकी बूट ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, सेडान और इस तरह की जो कॉम्पैक्ट सेडान टाइप की कार्स है ना, मतलब प्रीफर ही इसीलिए और ज़्यादा करता है क्योंकि बूट मिल जाता है। बाकी ये जो यहाँ पर क्लोज किया हुआ है ना, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ओपन करने का हमें नहीं मिल रहा था। चलिए बंद करते हैं इसे, हो जा बन जाए। बाकी जो सेंट्रल माउंट स्टॉप लैंप है अपनी, वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर इधर मैं फ्यूल टैंक की बात करता हूँ, इसके BS6 सेकंड फेज वाला ही इंजन हमें देखने के लिए मिलता है, अप टू इथेनॉल 20 वाला जो आता है लिखा हुआ। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करता हूँ, तो भाई इसमें हमें 37 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है, और केवल पेट्रोल वेरियंट है, कोई CNG डीजल कुछ नहीं आता है। चलिए तो कुछ 360 डिग्री व्यू इस तरह से था कार का। अब कार के अंदर चलते हैं भाई। अंदर चलने से पहले कार की तो बिल्कुल बेसिक की आती है भाई, पुराने जमाने वाली मारुति की
की ऑल्टो वैगनार की याद दिला देगी चाबी आपको, वो वाली है, कोई भी सेंट्रल लॉकिंग वाला रिमोट नहीं आता। की के थ्रू है या नहीं है सेंट्रल लॉकिंग, इसे चेक कर लेते हैं। तो भाई लग जा की, हाँ नहीं भाई की के थ्रू भी नहीं है सेंट्रल लॉकिंग, इसमें लॉक हो गया। वो देखिए सामने वाला गेट अपना वैसा ही है ओपन, तो की के थ्रू भी हमें सेंट्रल लॉकिंग इसमें देखने के लिए नहीं मिलती है। अब कार के अंदर बैठते हैं भाई, और अंदर बैठ के कार को कवर करते हैं। अगर चलिए पहले मैं ड्राइवर साइड गेट दिखा देता हूँ। ड्राइवर साइड गेट देखेंगे तो बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर में, वेज कलर में देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी डुअल टोन ब्लैक कुछ नहीं आता, पावर विंडो नहीं आते हैं, सब सून सपाटा भाई। डंडियाँ घुमानी है कुछ इस तरह से, बॉटल होल्डर हो गया, ये अपना प्लेस हो गया भाई, ये टूंटू टूंटू करती रहेगी। इससे बाहर निकाल देते हैं पहले, हाँ सेंसर आता है ना क्योंकि इसलिए। बाकी ये हो गया बंद करने के लिए, सब हार्ड टच है भाई, कुछ है ही नहीं बिल्कुल, ये भी सिंपल सारी चीज़ें हैं। बाकी स्पीकर स्पीकर कुछ नहीं आता, सब बिल्कुल खाली आती है, प्लेन आती है ये गाड़ी। बाकी अगर मैं इसके अंडर था सपोर्ट की बात करता हूँ ना, इधर ड्राइविंग साइड सीट की, ये बढ़िया होता है इसमें, देख रहे हैं ये एक बढ़िया लेवल पर देखने के लिए मिल जाता है। हेडरेस्ट दोनों ही हमें फिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए अब कार में अंदर बैठते हैं। हाँ, और अगर हाइट एडजस्टमेंट वाइट एडजस्टमेंट कुछ नहीं आता भाई, बिल्कुल बेसिक है, इन चीज़ों की तो उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए वैसे भी इस कार में हमें यार। भाई जस्ट अभी मैं ब्रेजर से उतर के आया हूँ ना, इसमें बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है इतनी नीचे बैठ गया हूँ ना, बिल्कुल जमीन पर बैठ गया हूँ। ब्रेजा में इतना लग रहा था ना, इतनी हाइट पर बैठे थे पूरा बोनट दिखता है, वहीं यहाँ पर इतनी गहराई में चले गए कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे का। बाकी अगर मैं फ्रंट से अब इसकी बात करते हैं भाई सामने से, तो इसको ऑन करता हूँ सबसे पहले MID भाई, इसकी फैन स्पीड कम करते हैं और इसको वॉल्यूम कम करते हैं भाई। बिल्कुल बेसिक MID देखने के लिए मिल जाता है, टैगोमीटर तक देखने के लिए नहीं मिलता है। सामने आप देखेंगे स्पीडोमीटर हो गया, ये फ्यूल के लिए हो गया, बाकी ट्रिप यहाँ से चेंज होंगी सारी, और ये अपना एवरेज अपडेट सारा इस साइड चेंज होगा। बाकी चेक लाइट्स हो गई, ये हीट वाला हो गया अपना, ये सब चीज़ें यहाँ देखने के लिए बिल्कुल बेसिक है, बेस वेरियंट है तो बेसिक चीज़ें ही देखने के लिए मिलेंगी। बाकी अगर मैं स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की, भाई एडजस्टमेंट दे दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा था फिक्स देंगे, टिल्टेड है, टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अपने हो गए किसके कंट्रोल्स, वाइपर के, और इस साइड हो गए अपने हेडलाइट के कंट्रोल्स। साइड में देखेंगे तो भाई बिल्कुल बेसिक एसी वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, कोई कवरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा। और इस साइड आप देखेंगे तो भाई हाँ बिल्कुल साल्टा सिल्वर फिनिश है, टिकटॉक हजार्ड हो गया ये अपना। बाकी ये बिल्कुल बेसिक से एसी वेंट्स हो गए, उधर भी एक एसी वेंट हो गया। बाकी बीच में देखेंगे तो मैनुअल एसी देखने के लिए मिल जाता है, ये अपना टेम्परेचर हो गया, मोड चेंज करने के लिए हो गया, सर्कुलेशन हो गया, और नीचे देखेंगे तो एक 12 वोल्ट 120 वोल्ट का सॉकेट हो गया। USB तो आती नहीं है क्योंकि ये भी आफ्टर मार्केट ही लगा हुआ है, तो भाई USB के लिए कहां से दे देंगे फिर। बाकी ये चीज बढ़िया लगती है, यहाँ पर स्पेस काफी मिल जाता है, आप दो फोन रख सकते हो इजिली। बाकी दो कप होल्डर हो गए, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का गेयरबॉक्स हो गया भाई, बिल्कुल काला काला था, वो क्रोम वाला भी नहीं दिया है इसमें। और यहाँ पर कोई आमरस वामरस देखने के लिए नहीं मिलता है हमें इस साइड भी भाई, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी अगर आप इंटीरियर पर और ध्यान देंगे ना, तो देख पाएंगे यहाँ पर ब्लैक और वेज कलर भाई डुअल टोन में देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ पर बात करूँ भाई IRVM तो कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सादा है, कोई डे नाइट नहीं कुछ नहीं। अगर इधर देखते हैं तो ये भी कुछ नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सादा है। अगर इधर बात करता हूँ तो कोई टिकट होल्डर नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए ओके डन रिपोर्ट है। हाँ, और इधर ये रह गया भाई ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए हमें यहाँ मिल जाता है, बेस वेरिएंट से अब सेफ्टी पर ध्यान दिया जाने लगा है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। चलिए अब पीछे की तरफ चलते हैं और सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूँ। हाँ ठीक है। बाकी एक चीज़ और बढ़िया लगी मुझे भाई, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने के लिए मिल रहा है, वो बात अलग है, नंगा नंगा से लगता है, बिल्कुल सूना सूना सा क्योंकि कुछ आता नहीं है इसमें। अगर इधर देखते हैं भाई रियर साइड गेट की मैं बात करता हूँ, तो आप देखेंगे बिल्कुल भाई सेम आगे की तरफ वेज कलर में पूरा का पूरा डंडियाँ दी हुई हैं, पूरा शीशे वीशे ऊपर नीचे करने को, बॉटल होल्डर हो गया, स्पीकर का प्लेस हो गया, ठीक है। और बाकी अगर सीट्स की बात करूँ तो भाई अंडर थाई सपोर्ट फर्स्ट थिंग बढ़िया है, हेडरेस्ट दोनों ही फिक्स्ड हैं, लेग रूम ठीक है, मतलब सही है लेग रूम, वैसे डिजायर में स्पेस बढ़िया आता है। बाकी हेडरूम आप देख सकते हो भाई, अच्छा खासा हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। अगर केबिन लैंप की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक केबिन लैंप देखने के लिए मिल जाती है, रियर में कोई एसी वेंट, कोई चार्जिंग सॉकेट कुछ नहीं मिलता है। बाकी हम भी ठीक ठाक है, ना के बराबर तो नहीं कह सकते हो, है ठीक ठाक। चलिए और बाकी कोई बीच में आर्मरेस्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता है हमें। चलिए तो इस तरह से कार का इंटीरियर, सेफ्टी फीचर और रुपए की बात कर लेते हैं बाहर चल के। भाई अगर इसकी सेफ्टी की बात करूँ ना, ग्लोबल एनकैप इसे टेस्ट कर चुका है और ये 2-स्टार रेटेड कार है अपनी। वहीं इसमें 2 एयरबैग हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर ब्रेकिंग में बात करता हूँ तो ABS विद EBD जो कि स्टैंडर्ड हो चुका है, वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब तो मिलता ही मिलता है देखने के लिए।
और जब मेन बात आती है भाई इसके इंजन की, क्योंकि बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट में कहीं हमें ऐसा तो नहीं है पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो वो भी एक मेन डिस्कशन हो जाता है। वहीं अगर मैं इसके इंजन की बात करता हूँ, इसमें 1200 cc का 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन हमें देखने के लिए मिल जाता है। ओनली पेट्रोल में ये कार हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि हमें 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क निकाल कर देती है। भाई 89 bhp ये पेट्रोल में दे रही है हमें निकाल के। भाई अगर मैं ब्रेजा की बात करता हूँ ना, ब्रेजा हमें CNG में 87 bhp निकाल के दे देती है। यही तो फर्क होता है एक SUV का और एक, मतलब ये 1200 cc है वो हैवी 1500 cc, ये डिफरेंस भी एक रहता है। बाकी अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ भाई, तो प्राइस तो है ही बहुत जेन्युइन, मतलब कुछ कहने ही नहीं है। 6,51,000 रुपये मात्र एक शोरूम है भाई, एक शोरूम मात्र 6,51,000। भाई अगर ऑन रोड की बात करता हूँ, तो इस समय हूँ मैं बरेली के अरेना शोरूम पर, वहाँ पर ये हमें 7,47,000 भाई 7,50,000 रुपए की ऑन रोड पड़ती है। चलिए तो वो जिस तरह से थी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।